हेलो गाइस, इस वीडियो में मैं आपको क्विक सेंस के स्कूल बैग टाइमर के बारे में बताने वाला हूँ। कुछ इस प्रकार से दिखता है ये स्कूल बैग टाइमर है। इसमें दो प्रोग्रामिंग को होल्ड करने के लिए इसमें दो बैटरी का यूज होता है, जो ट्रिपल ए नॉर्मल बैटरी होती है जो नॉर्मल दुकानों पर अवेलेबल होती है। ये कुछ इस टाइप से दिखता है। और इसमें कनेक्शन के लिए आपको चार टर्मिनल दिए जाते हैं, दो आउटपुट के एंड दो इनपुट के। मैं इसकी आपको वायरिंग करके दिखाऊंगा कि किस प्रकार से हम वायरिंग करते हैं इसका और कैसे प्रोग्रामिंग करते हैं। तो सबसे पहले मैं आपकी वायरिंग करके दिखा देता हूं किस प्रकार से करते हैं। जैसे कि आप देख सकते हैं, मैंने ये इनपुट के दो वायर लिए हैं और ये मैंने जो मेरा S1 और S2 है यहाँ पर इसको कनेक्ट किया है। देन लोड में मेरा बल्ब को कनेक्ट करा बैल की जगह पर, क्योंकि बैल की जगह पर अभी मैं आपको दिखेगा तो इसलिए मैंने बैल की जगह पे बल्ब को यूज करा है। तो L1 और L2 में इसको यूज करा है, ठीक है। अब न्यूट्रल फेज का कोई इसमें इशू नहीं है, आप कोई सा भी कर सकते हैं किसी भी टर्मिनल में, बट इनपुट और आउटपुट का ध्यान देना पड़ता है। लेफ्ट हैंड साइड पर आपका इनपुट कनेक्ट होता है और राइट हैंड साइड पर आपका आउटपुट कनेक्ट होता है। मैं इसकी आपको प्रोग्रामिंग करके दिखाता हूँ। अभी सबसे पहले इसमें प्रोग्रामिंग के लिए बेस्ट ऑप्शन होता है कि आपका ये ऑटो ऑन ऑफ। मैनुअली आपको अगर करना है तो आप इसको मैनुअली कर सकते हैं। देन अगर ऑफ रखना है तो ऑफ रख सकते हैं, और ऑटो करना है तो ऑटो मतलब कि ये जो प्रोग्रामिंग सेट की जाती है उसमें ये काम आता है, साइड फंक्शन जो है आपका। तो हमारा मोस्टली जब स्कूल पीरियड्स के लिए या फिर फैक्ट्रीज़ में, इंडस्ट्रियल एरिया में हम यूज़ करते हैं तो इसको ऑटो पे रखते हैं। और अगर हमें बीच में कभी कुछ बैल बजाना होता है कि भाई अभी ऑफ करना है, तो उसके लिए ऑन पे कर देते हैं तो वो कंटिन्यू हो जाता है। तो अभी हमें ऑटो पे रखना है प्रोग्रामिंग के लिए। सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसमें रीसेट बटन होता है, रीसेट बटन को दबा लेते हैं। कुछ इस प्रकार से इंटरफेस हो जाता है इसका, और उसके बाद ये कुछ टाइमिंग आती है। फिर उसके बाद हम क्या करते हैं, इसका मोड बटन दबाते हैं। मोड बटन दबाने के बाद आपके पास कॉर्नर में आ जाता है TC, मतलब कि टाइम क्लॉक। तो TC मतलब टाइम क्लॉक। तो हम टाइम क्लॉक जो कि एक्चुअल टाइम जो हमारा चल रहा होता है, वो जैसे कि मोड बटन दबाने पे क्लॉक टाइम आ जाता है, तो क्लॉक टाइम ये TC आता है, टाइम क्लॉक। टाइम क्लॉक में हमारा एक्चुअल टाइम जो होता है वो हम करते हैं। तो सेलेक्ट, सेले का मतलब होता है सेलेक्ट, सेलेक्ट के लिए हम करते हैं जो एक्चुअल टाइम है। तो वही हम करेंगे एक्चुअल टाइम के लिए 16, मतलब 16 शाम के 4 बज रहे हैं तो 16 करेंगे। देन मिनट्स के लिए हम करेंगे इसको फ्लैशिंग होने के लिए कि मिनट्स, मिनट्स को अप डाउन करने के लिए प्लस का 57 मिनट्स। मैंने कर दिए हैं। देन अब इसके आगे हमारा क्या होता है, मोड बटन हम करेंगे तो हम डायरेक्ट जाते हैं किस पे, प्रोग्रामिंग पे। प्रोग्रामिंग बोले तो जितने बजे हमें बेल को प्ले करना है तो उसके लिए प्रोग्रामिंग करते हैं। तो अभी मैं यहाँ पे कर देता हूँ 5:10 पे, 5:10 पे मैं इसको टाइमिंग सेट कर, 5:05 पे करता हूँ, मेरा सेट हो जाएगा। 2-3 बेल कर देता हूँ। तो अभी 16 का बोले तो फ्लैशिंग होने लगा, सेकेंड्स को जीरो कर दिया, सॉरी ये जो फ्लैशिंग हो रहा है एक, ये इसका बेल प्रोग्रामिंग है। फर्स्ट प्रोग्रामिंग के लिए हम करेंगे, देन सेलेक्ट को करेंगे, या मिनट का वो सॉरी आवर्स का आने लगा, तो आवर्स का इसमें करेंगे 17। मैंने 17 सेलेक्ट कर दिया। देन प्ले बटन अभी 5:00 मैंने सेलेक्ट कर दिया, ये 5:00 ये ऑन हो जाएगा, 1 सेकंड पे, 5:01 पे ऑन हो जाएगा। देन वो मैं जो बेल की टाइमिंग रहेगी वो बाद में सिलेक्ट करेंगे। सेकंड हम करते हैं, मोड बटन दबाएंगे
प्रोग्राम में आके ऑटो बटन दबाएंगे, नहीं सॉरी सेलेक्ट बटन दबाएंगे, दूसरी बेल पे मतलब सेकंड बेल पे जाएंगे तो उसके लिए प्लस बटन दबाएंगे, मेरा ये दूसरी बेल हो गया। दूसरी बेल के लिए हम करेंगे इसको सेलेक्ट, आवर्स का आ गया, आवर्स की में सेलेक्ट करेंगे हम 17 और मिनट्स को कर देंगे 2 मिनट। दो मिनट कर दिया, देन सेकेंड अब करेंगे तीसरी बेल के लिए। तीसरी बेल के लिए भी तीसरी बेल पे भी प्रोग्राम करेंगे 17 प्लस 3 मिनट, 17 प्लस 5 मिनट करेंगे तो ये कर देंगे हम 17 सेलेक्ट 5 मिनट सेलेक्ट। ये इसका डे का भी कर सकते हैं आप, कौन से दिन बजाना है तो उसके लिए भी होता है, तो अभी बाय डिफॉल्ट चल रहा है। तो अभी मैं करता हूँ इसको क्या कि अभी चौथी बेल के लिए करेंगे, चौथी बेल के लिए 70 प्लस 6 मिनट, 70 सेलेक्ट 17 सेलेक्ट 7 मिनट। तो मैंने ये 4 बेल सेट कर दिए इसमें। अभी मोड बटन पे जाएंगे, एरर में कुछ नहीं, ये है टोन लेंथ, मतलब कि कितनी देर तक किसी भी चीज़ को बजाना, मतलब इसके साथ में बेल कनेक्ट करेंगे तो कितनी देर तक इसको बजाना है तो उसके लिए टाइम सेट कर सकते हैं। तो अभी मैं इसको केवल 1 मिनट के लिए, मैं 30 सेकंड के लिए मैं करता हूँ, 1 मिनट के लिए भी कर सकते हैं, 30 सेकंड के लिए भी कर सकते हैं। तो मैं इसको 1 मिनट के लिए करूँगा, वो सॉरी 30 सेकंड्स के लिए करूँगा। तो सेलेक्ट सेलेक्ट एंड सेलेक्ट, ये यहाँ पर सेकंड्स है या मिनट्स है या आवर्स है, तो मैंने सेकंड्स में 30 सेकंड्स कर देना है इसको। थर्टी सेकंड कर दिया है, देन सेलेक्ट प्रोग्राम मोड बटन दबाएंगे, देन बाहर आ जाएंगे। तो अभी यहाँ पे ये मेरा मैंने ऑटो पे कर रखा है, अब मैं इसको पावर सप्लाई दूंगा। इसमें 80 मतलब 80 बेल को सेट कर सकते हैं, 80 प्रोग्रामिंग इसमें सेट कर सकते हैं। इसी प्रकार से प्रोसेस सेम रहेगा हर बेल का। तो अभी मैं आपको इसको इसमें इनपुट दे के दिखाता हूँ कैसे ये प्रोग्रामिंग मैंने सेट की है वो कैसे वर्क करेगा। जैसे कि देख पा रहे हैं मैंने एक्सटेंसर बोर्ड ले रखा है जो कि मैं पावर सप्लाई के लिए यूज़ करने वाला हूँ। तो मैंने ये इसको प्लग इन कर दिया, देन इसमें ऑन हो गया ये। अभी ये 1 मिनट 30 सेकंड बाद ऑफ हो जाएगा। ऑफ होने वाला है, ऑफ हो गया। देन सेकंड जो मैंने बेल लगाई थी उस पर ये ऑन होएगा। जैसे देख पा रहे हैं ये ऑन हो गया। इसी प्रकार से ये अभी बेल टाइमिंग चल रही है, आप देख पा रहे हैं। अब ये 30 सेकंड बाद ऑफ हो जाएगा, 17 18 19 20। ऑफ, ये मैंने 30 सेकंड्स का इसमें हर बेल पे मैंने 30 सेकंड का प्रोग्रामिंग डाल रखा है। तो हर बेल पे ये जितना भी सेट करेंगे 80 बेलों तक
तो ये 30 सेकंड पे ही बंद होगा। आप अपने अनुसार कितना भी टाइम डाल सकते हैं, घंटे मतलब आवर्स के हिसाब से, मिनट्स के हिसाब से कितना भी सेट कर सकते हैं। तो वो आपको सेट करना होता टोन लेंथ जो कहते हैं, बेल की लेंथ कितनी रखनी है वो आपको सेट करना होता है उसमें। ये अब 5:07 पर ऑन होएगा, देन 30 सेकंड तक ऑन रहेगा, ऑफ हो जाएगा 17:07 पर। जैसे देख सकते हैं आप टाइमिंग कंटिन्यू चल रही है इसमें, और ये ऑन हो गया 5:07 पे, मतलब 17:07 पे, और 30 सेकंड तक ऑन रहेगा, देन क्लोज हो जाएगा। ये थैंक यू गाइस, यही इसकी प्रोग्रामिंग एंड सेटिंग है। थैंक यू।